कैसे चिमटे से मारती थी? गलम चिमटे से मारती थी। और क्या करती थी? प्लास मारती थी। और और जो आपका भाई है कपिल, क्या ताई उसको भी मारती है? अच्छा, वो आपको बचाने आता था ना, तो क्या बोलती थी भाई से? अच्छा, तो भाई को भी मारती थी। उसे कैसे मारती थी? इस मासूम की दर्दनाक दास्तान सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। इस छोटी बच्ची को देखकर इसे कौन प्यार करना नहीं चाहेगा, लेकिन इस बच्ची के साथ जो हुआ वो कोई पत्थर दिल इंसान ही कर सकता है। इस बच्ची की सगी ताई ने इसे जो दर्द दिया वो शायद ये बच्ची कभी नहीं भूल सकती। इस 5 साल की बच्ची को उसकी ताई बहुत निर्ममता के साथ मारती पीटती थी, तो कभी उसे गर्म चिमटे से दाग भी देती थी। कैसे चिमटे से मारती थी? गलम चिमटे से मारती थी। और क्या करती थी? प्लास मारती थी। और और जो आपका भाई है कपिल, क्या ताई उसको भी मारती है? अच्छा, वो आपको बचाने आता था ना, तो क्या बोलती थी भाई से? मारूंगी। अच्छा, तो भाई को भी मारती थी। उसे कैसे मारती थी? बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष अजय खेमरिया का कहना है कि हमें जब इस बच्ची के लावारिस घूमने की जानकारी मिली तो फौरन उन्होंने बच्ची को चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी के संरक्षण में लिया, उसका मेडिकल चेकअप कराया गया। बच्ची 4 और 5 साल के दरमियान उसकी उम्र रही होगी। उसके पिता का निधन हो गया था, माँ उसको छोड़कर चली चुकी जा चुकी थी। उसके ताऊ और ताई के घर पर वो रहा करती थी, और ताई जो है उसके साथ जबरदस्त तरीके से मारपीट करती थी, चिमटों से दागा करती थी, उसको मुंह में कपड़ा भर के उसकी पिटाई लगाती थी। आसपास के लोगों का भी कहना है कि पिछले कई दिनों से सिलसिला जारी था। कल ये बच्ची किसी भी तरीके से घर से बाहर आ गई और पार्क में कुछ लोगों को खेलते हुए मिली रोते हुए। हमारे पास सूचना आई, चाइल्ड लाइन के माध्यम से उसको रेस्क्यू किया गया, मेडिकल कराया गया, और बाद में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के सेक्शन 75 के तहत उसके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करा दिया गया है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि बाल कल्याण समिति के आवेदन पर FIR दर्ज कर ली गई है। मामला जांच में है और जांच पूरी होते ही गिरफ्तारी की जाएगी। आवेदन दिया गया है, गायत्री नाम की महिला है, जिसके देवर का देवर देवरानी की बच्ची है। वो पापा इसके खत्म हो गया, 4-5 साल की छाया नाम है उसमें, स्कूल जा रहती होगी। मारपीट की है तो बाल कल्याण समिति को पता लगा, उन्होंने अपने कागजात लेकर के हमारे पास लाए, मेडिकल कराया उसको। समय से गायत्री महिला के खिलाफ अपराध काम किया गया है। क्या मामला दर्ज किया? मामला 323 मारपीट का, उपरेसे किशोर न्यायालय के बच्चों की देख रेख सारा चाहिए। 75 तो क्या उस महिला को गिरफ्तार कर लिया है? क्या अभी गिरफ्तार नहीं, अभी मामला जांच में है। उसके बाद आपको बता दें कि जब ये बच्ची 4 साल की थी तभी इसके पिता का निधन हो गया था और इसकी माँ अपने दोनों मासूम बच्चों को छोड़कर चली गई, के बाद इस बच्ची की जिम्मेदारी उनके ताई और ताऊ के ऊपर आ गई। इसी का नतीजा उस बच्ची को भुगतना पड़ा। जिस उम्र में बच्चे अपना बचपन एंजॉय करते हैं, उस उम्र में उसने इतना दर्द सहा जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। शिवपुरी से प्रमोद भार्गव की रिपोर्ट।